कविता जी, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज स्वाध्याय है बुक ऑफ मिर्दाद के कुछ चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप आत्म जागृति के सभी ध्यानियों को और जो YouTube में सुनते हैं, उन सभी के लिए हमें वो बातें बताएं जो क्या कहना चाहते हैं मिर्दाद सर। बिल्कुल, थैंक यू मुझे अवसर देने के लिए और ये बुक की जो विजडम है वो शेयर करने का मौका देने के लिए। तो जब मैंने ये सेशंस लिए थे तो मैंने चैप्टर 9 से शुरुआत की थी, क्योंकि वो मेरे पसंदीदा चैप्टर है बुक के 4-5 जो मैं पढ़ शुरुआत करती हूँ। पर मैंने बाद में सोचा कि ये शुरुआत से बुक को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये बड़े मेटाफोरिकली मतलब एक स्टोरी के द्वारा हमारी खुद की यात्रा को बताते हैं शुरू में, और थोड़े से जो शुरू के लेसन हैं वो भी जानने जरूरी है। तो जैसा मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ये तो कहानी एक मठ की है, एक मठ जिसमें कि एक टाइम में 9 साधु रहते हैं, और अगर एक साधु अभी मर जाता है तो फिर एक नया साधु अपने आप आ जाता है उस मठ में रहने। तो वहां पे मिर्दाद आता है, लेकिन उसको एक नौकर के रूप में एंट्री मिलती है, क्योंकि उसका जो मठाधीश है उस समय का शमदान, वो बहुत ही घमंडी और क्रूर कुटिल टाइप का व्यक्ति है। वो उसकी बार बार बेइज्जती भी करता है। तो अब ये स्टोरी तो काफी लंबी है, जो अगर आप स्वाध्याय सुनेंगे तो उसमें होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया। तो लेखक ने इसको जो प्रेजेंट किया है, उसने उसको कैसे किया, उसने बताया कि जब मैं वहां पर गया उस जगह पे, मठ वाली जगह पे जहाँ पे है, तो मैंने उस मठ को देखा तो मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे ऊपर जाना है उस मठ में, क्योंकि वो पहाड़ की चोटी पे था जिसका नाम है अल्टार पीक। तो मुझे उस मठ तक जाना है। अब क्या है कि उस मठ तक जाने के लिए वहां रास्ते हैं दो, एक तो चौड़ा रास्ता जिससे सभी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग उस मठ की यात्रा करते हैं, और एक पतली पगडंडी। तो लेखक ने क्या किया कि सोचा कि मैं इस उसके अंदर से प्रेरणा हुई कि मुझे इस पतली पगडंडी से ही जाना, देखने में बड़ी चमकदार लगती है वो। तो जो उसका गाइड है, जो एक वहां उसने गाइड ढूंढा उस गांव में, उस गाइड से उसने कहा कि मैं इस पगडंडी से जाना पसंद करूंगा। तो गाइड ने कहा, अरे तुम ये फूलिश काम कभी मत करना, क्योंकि ये बहुत कठिन यात्रा है इस पगडंडी से, ये बहुत सीधी चढ़ाई है, और इसमें फ्लिंट यानी एक क्रिस्टल टाइप का पत्थर है उसकी बनी हुई है, तो बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। लेकिन लेखक ने क्योंकि मन में ठान लिया था, तो उसने फिर उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा, और अकेला ही उसने दूसरे दिन सुबह 7 loaves ब्रेड के बांधे और यात्रा अपनी शुरू कर दी। जूते उते अच्छे पहन के, लाठी हाथ में लेके पहाड़ पे चढ़ने की यात्रा शुरू कर दी। ये जर्नी फ्रेंड सिनोनिम मतलब हमारी लाइफ जर्नी की जैसी है। अब जब ये चढ़ना शुरू किया तो थोड़ी दूर में जाके इसको पता चला कि बाप रे, ये तो वाकई सही कह रहा था, ये यात्रा तो बहुत ज्यादा कठिन है। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि वो जो पत्थर थे वो उसको चुभ रहे थे, जगह जगह उसको खून निकल आया, उसके कपड़े फटने लगे, उसके जूते फटने लगे, उनको पकड़ पकड़ के चढ़ना, दो पैरों से शीघ्र ही वो चारों पे हाथों पैरों पे आ गया, पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ रहा था उसको। लेकिन उसने यात्रा अपनी जारी रखी। अब जब चढ़ते चढ़ते वो ऐसे स्थान पर आया जहाँ थोड़ी सी फ्लैट जगह थी, तो उसने सोचा दोपहर हो चुकी है, थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। तो जैसे ही उसने अपनी ब्रेड निकाली तो एक वहां पे गडरिया आ गया अपने भेड़ों के साथ, जो कि बांसुरी बजाता हुआ आ गया। और उसने कहा लेखक से कि लेखक ने उसको देख के कहा, तो उसने कहा अच्छा आओ, उसने कहा अच्छा तुम, उसकी बकरियां जो है उसकी ब्रेड की तरफ कूदने लगी, तो उसने कहा मेरी बकरियां जो है उनको ब्रेड बहुत पसंद है। तो मैं लेखक ने जो है मैं बोलूंगी, मैंने ये बोला कि बड़े उससे दानवीरता से कि चलो हम शेयर करके खाते। तो उसने क्या किया कि एक एक करके मेरी सारी ब्रेड तोड़ तोड़ के अपनी बकरियों को खिला दी। तो अब ये जो है मैं जो हूँ बड़ा दुखी हो गया, और मैंने कहा कि तुमने मेरी सारी ब्रेड खिला दी, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या मैं भूखा रहूंगा, तुम ऐसा करो कि तुम अपने बकरियों का थोड़ा सा दूध मुझे दे दो तो पीने के लिए, पेट भरने के लिए। तो उसने कहा कि मेरी बकरियों का दूध जो है बेवकूफों के लिए नहीं है, फूल्स के लिए नहीं है। तो उसने तो क्योंकि तो उसने बोला कि मेरी बकरियों का दूध जो है जो फूल्स है बेवकूफ है, उनके लिए जहर के समान, तो तुम्हारे जीवन में लेना नहीं चाहता।
तो उसने बोला कि क्यों मुझे बेवकूफ क्यों कहा? तो उसने कहा क्यों, क्योंकि तुम 7 जन्मों की यात्रा 7 ब्रेड के लोफ लेके कर रहे थे। तो ये मैंने जो है कि मैंने बड़े उससे कहा तो क्या मुझे 7,000 लेके चलने चाहिए? तो उसने कहा एक भी नहीं लेके चलना चाहिए। क्यों, उसने पूछा, क्योंकि वो रास्ता ही क्या जो पथिक की देखभाल ना कर सके। बहुत ही प्यारी बात है फ्रेंड्स, बहुत जब खूबसूरत। हम एक खूबसूरत मतलब हम एक अपने लिए रास्ता चुनते हैं तो अगर वो सच्चा मार्ग है तो वो रास्ता पूरी तरह से हमारी देखभाल करता है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, हमारे लिए जो उचित है वो हमारे पास अपने आप आता चला जाता है। तो फिर क्या करें लेखक, फिर चढ़ा बेचारे मतलब मैं वापस चढ़ना शुरू किया, वापस चढ़ना शुरू किया। रात होते होते इसको बस वो पूरी खड़ी चढ़ाई थी, बड़ी मुश्किल से उसको ऐसा दिखाई दिया कि एक गुफा है और उसके सामने गहरी खाई है। तो ये किसी तरह से चढ़ के उस गुफा में चला गया। बहुत थका था, कप जूते तार तार हो गए, कपड़े फट गए, बड़ी मुश्किल से उसका जो है वो गुफा तक पहुंचा और जाके सो गया। तो बोलता पता नहीं कितनी देर में सोया कि अचानक जो है मुझे ऐसा लगा कोई मेरी जैकेट उतार रहा है। तो मैंने आँख खोल के देखा तो एक युवती खड़ी थी, बहुत सुंदर और एक बदसूरत सी बुढ़िया उसके साथ थी और वो उसकी जैकेट उतार रही। तो उसने कहा तुम मेरी जैकेट क्यों उतार रहे? तो उसने बोला देखा नहीं इस युवती के पास कपड़े नहीं है, तो तुम्हारे कपड़े में देखे इसको पहना रही। तो एक एक करके उसने उसके सारे कपड़े उतार लिए और लेखक के, और वो उस लड़की को पहनाती चली गई। अब ये पूरा पूरे कपड़े उतार के ये पूरा नेकेड खड़ा हो गया, उसको बड़ी शर्म आ रही थी। तो उसने बोला कि तो मुझे इतनी शर्म आ रही है इस लड़की के सामने। तो उसने कहा कि तुम्हारी शर्म जो है उसने इसकी इनोसेंस को ढक लिया है लड़की, तो तुम उस इनोसेंस को फील करो, बुढ़िया ने बोला। तो उसने कहा कि लेकिन तुमने मेरे पूरे कपड़े ले लिए, अब मैं क्या पहनूंगा, क्या कर कैसे रहूंगा मैं, इतनी ठंड है। तो बुढ़िया ने बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि लेस पजेसिंग लेस पजेस्ड, मोर पजेसिंग मोर पजेस्ड, मोर पजेस्ड लेस एक्सेस्ड। मतलब जितने ज्यादा हमारे पोजेशन होंगे तो हम पोजेशन को नहीं पजेस कर रहे हैं, हम चीजों को नहीं इकट्ठा कर रहे, चीजें हमारे ऊपर अधिकार कर रहे हैं। तो जितना कम हमारे पास पोजेशन होंगे उतने ज्यादा हम एक्सेस्ड होंगे, हम खुले होंगे रिसीव करने के लिए, हम तक सब चीजें सारे मार्ग आसानी से आ पाएंगे। और जितना ज्यादा हम सांसारिक चीजों से घिरे होंगे तो रास्ते हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम हमको बहुत कठिनाई से अपना मार्ग मिलेगा। तो उसने बोला लेस पजेस्ड मोर एक्सेस्ड, कम सामान रखिए इस यात्रा में, जितना ज्यादा सामान जीवन की यात्रा में आप कम रखेंगे उतना ज्यादा आप जो है एक्सेस्ड, आप जो सत्य का मार्ग है वो आप जल्दी से ढूंढ पाएंगे, उस पर चल पाएंगे। खैर वो लड़की और वो बुढ़िया वहां से चली गई, ये दांत किटकिटाते हुए बैठे रहे गुफा में। तभी वहां पे एक और बुढ़ा बुढ़िया आ गए और उन्होंने कहा कि देखो तुम फालतू ही चिंता कर रही थी, कितनी अच्छी जगह मिल गई हमें रात बिताने के लिए, बुढ़े ने बुढ़िया से कहा। और ये तुम्हारे पास लाठी नहीं थी, तो देखो इस व्यक्ति के पास लाठी भी है, उसने मेरी लाठी उसको दे दी बुढ़िया को, और कहा कि अब ये अजनबी यहाँ से चला जाए। तो मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए, बाहर बहुत ठंड है, अंधेरा है और सामने खाई है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो जो बुड्ढे ने जो बात कही वो ये बहुत ही प्यारी बात थी। इसने जब बोला कि मुझे अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे रास्ता ढूंढूंगा, मैं खाई में ना गिर जाऊं, उसने बोला लव विल नॉट बी हेयर, लाइट विल नॉट बी शेयर, लव एंड सी लाइट एंड बी, व्हेन द नाइट इज ब्लेड एंड द डे इज फ्लेड एंड द अर्थ इज डेड, हाउ शैल वे फेयर अस फेयर, हु शैल बी देयर टुडे। उसने बोला कि प्रेम और प्रकाश हमको अपने अंदर से ही जागृत करना पड़ता है, हम कभी किसी से उधार नहीं ले सकते और उधार लेके अपना काम नहीं चला सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है तुम्हारी अपनी थोड़ी सी लाइट या तुम्हारा लव जो है मुझे दे दो, वो मुझे प्यार कर सकता है लेकिन प्यार उधार नहीं दे सकता। तो वो क्या करना होगा, अपनी लाइट हमें अपना दिया खुद जलाना होगा, जो पथिक सर कहते हैं अपो दीपो भव। फ्रेंड्स ये बात मैं कल भी शेयर करना चाहती थी कि पत्री सर की ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई शुरू शुरू में, जब उन्होंने कहा कि कोई तुमको खुद ही सब कुछ करना है, ध्यान करो और अपने आप को डिस्कवर करो।
तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि कैसे गुरु हैं, बड़े सख्त टाइप के गुरु हैं जो कहते हैं ध्यान करो और खुद जानो सब कुछ, कुछ नहीं बताएंगे हम तुमको। तो वही बात इनने कही कि जब रास्ता कठिन होगा, रात अंधेरी होगी, तो कौन रास्ता दिखाएगा तुमको? तुम्हारी अंदर की लाइट, तुम्हारे अंदर का प्रेम और तुम्हारे अंदर का प्रकाश, वो ही तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हारा साथी होगा, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और कौन तुम्हें हिम्मत देगा? वही प्रकाश और वही प्रेम तुमको हिम्मत देगा आगे बढ़ने जाने के लिए। तो इसलिए आपको किसी दूसरे की लालटेन पे, किसी दूसरे के प्रकाश पे, किसी दूसरे के साथ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। सब कुछ अपना खुद ही जागृत करना है, ये इससे संदेश है। तो फिर क्या हुआ कि इसने कहा कि ठीक है चलो, तो मैं चला जाता हूं। और ये बाहर निकला और पहला कदम रखा और ये खाई में गिर गया। तो खाई में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि कोई इसके मुंह में पानी डाल रहा है। तो इसने कहा कि मुझे इस गड्ढे से, खाई से किसने निकाला? तो उसने कहा उसी ने जिसने तुम्हें गाइड किया ये कठिन वाला रास्ता लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब स्टोरी को हम यहीं छोड़ेंगे और हम थोड़े से लेसन जानेंगे कि ये हमारे जीवन की कहानी है। जिस दिन हम चुनते हैं, जो सब लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, हम उस रास्ते को मना कर देते हैं। हम कहते हैं हमारा रास्ता ये दूसरा है जो हमें बड़ा चमकदार दिख रहा है, लेकिन वो चमकदार रास्ते पे हम चढ़ते हैं तो हम सांसारिक बातों से तो हम दूर हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारी इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो जाती है। इंटरनल स्ट्रगल क्या, हमें अपनी सारी कमियां, कमजोरियां, वाइसेस दिखने लगती है और उनके साथ हमारा एक संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जिसको कि जब हम ये टॉल्टेक विजडम की बुक पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आप वॉरियर बन जाते हो। किसके लिए? बाहर किसी से युद्ध नहीं है, सारे युद्ध आपके अंदर ही है। आपको ऐसा लगता है, जो अहंकार है आपको दिखने लगता है। और फिर क्या होता है कि जब आप वो आपसे जब आपने ये मार्ग चुन लिया तो वो चीजें जो आपके लिए बिल्कुल भी अनुचित है वो आपसे छुड़ाई जाते हैं। यूनिवर्स ऐसा कुछ करता है कि आपको वो छोड़ना पड़ती है, एक-एक करके अपने सारे ईगो को, अहंकार को, मैं को आपको त्यागना पड़ता है। जो आप पोजिशंस पकड़ के रखते हो, ये उस सब के प्रति आपको विरक्ति आने लगती है, आपको मतलब अंदर से जागृत होने लगती है। तो ये लड़ाई जो उसने बताया कि सारे कपड़े छिन गए, भूखा प्यासा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? ये लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हमें सब कुछ छोड़ के टोटल सरेंडर, हमें किसी भी चीज का कुछ भी भान नहीं रहता, हम पूरी तरह से जब हम सरेंडर कर देते हैं और हम मृत्यु को तक वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना समर्पण कर देते हैं, तब हमको बचा लिया जाता है। वही हमारा रिसरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, एक नया जन्म हो जाता है हमारा, एक नया नई यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। तो ये इन्होंने बड़े ही अच्छे से इसको लेखक ने बताया कि किस तरह से हमें सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बाहर कहीं कुछ नहीं छोड़ना, सब अंदर ही है, वो ही छोड़ना है हमको, ठीक है ना? सारा ईर्ष्या, द्वेष, सारा गुस्सा, सारा अहंकार जो बचपन से हमें सिखाया गया है। जैसे हम देखते हैं किसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, हम अपने बच्चे से बोलते देखो वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, जो हमें भावना हमें बचपन से सिखा लिया गया, अरे वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा, तुम कैसा? तो ये सब बातें हमें छोड़नी पड़ती। बराबरी, हमें कभी प्रेम करना नहीं सिखाया गया, हमें बराबरी करना सिखाया गया, हमें द्वंद सिखाया गया, ईर्ष्या द्वेष सिखाया गया हमको। तो अब हमको ये समय आ गया है कि आप आध्यात्मिक हो चले, आपको एक एक करके इन सारे दुर्गुणों से मुक्त होना पड़ेगा। और जिस क्षण आप उस स्थिति में आ जाएंगे टोटल सरेंडर की, तो आपको आपका आपकी मंजिल मिल जाएगी, ये जो उनका कहना है लेखक का। अब जानेंगे कि इनकी शिक्षाएं, स्टोरी को हमने छोड़ दिया है पीछे पे, इनकी शिक्षाएं चैप्टर 1 में मिर्दाद जो है वो क्या कहता है। तो क्या होता है कि मिर्दाद 7 साल तक चुप रहता, सेवा करता रहता, और 7 साल बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ता है। और चुप्पी तोड़ता और फिर वो कहता है कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा पर्दों में घिरे हुए लोग हैं, वेल्स में, हमारे चारों ओर पर्दे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं, और हमारे जो वो है ये सील्स हैं, लॉक लॉक है ये हमारे हमारे जितने भी ज्यादा हम शब्द बोलते हैं उतनी ज्यादा हम सील्स लगाते चले जाते हैं, अपने ताले लगाते जाते हैं अपने ऊपर। तो इसका इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम इतने बंधन क्रिएट कर चुके हैं अपने लिए, और जितने भी शब्द हम बोलते हैं वो फिर एक नया बंधन क्रिएट करता है हमारे लिए।
इसलिए मिर्दाद में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। तो मिर्दाद का कहना है कि अगर तुम्हें अपने ये दुनिया तुम्हारा संसार तुमको ऐसा बैफलिंग रिडल एक पहेली की तरह अबूझ पहेली की तरह दिख रहा है तो क्यों है? इसलिए क्योंकि तुम खुद एक अबूझ पहेली हो, तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया है इसीलिए तुमको ये ऐसा दिख रहा है। तो मिर्दाद कहता है लेट थिंग्स अलोन, जो चीज जैसी है उसको वैसा रहने दो। मनुष्यों की आदत है कि वो अपने विचारों के हिसाब से अपने जो कंडीशनिंग उसके हिसाब से परसीव करते हैं चीजों को, और फिर वो कहता है ये ऐसा वो वैसा। तो हमें किसी को अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से परसीव ना करके जो जैसा उसको वैसा देखना पड़ेगा। ये कहते हैं अगर कोई चीज अगली अपीयरेंस में आपको लग रहा है कि तो बड़ी बेकार है तो उस चीज को दोष मत दो, अपनी आंखों को दोष दो जो उस चीज की सच्चाई को उसकी खूबसूरती को नहीं पकड़ पा रही है और उसकी जो बदसूरती है उसको उभार के देख रही है। तो ये हमारा मिर्दाद का कहना है कि ये हमारी दृष्टि का दोष है, दृष्टिकोण का दोष है जिसे हम कहते हैं। तो पहले अपना दृष्टिकोण सुधारो तब जीवन आसान बन जाएगा। फिर क्या होता है कि मिर्दाद कहता है कि जब भी तुम बोलो कि आए मैं शब्द का प्रयोग करो तो सबसे पहले यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे जो ये अहंकार युक्त मैं है इसके दुखों से बचाओ और जो एकत्व युक्त मैं है उसकी तरफ ले जाओ। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो मैं है वो अहंकार युक्त होती है। हर वक्त जब हम बोलते हैं मैं तो हम अपने आप को बड़ा बताते हैं कि मैं मतलब कुछ हूँ, जबकि सब हमारी सारी के सारा स्वरूप जो है वो कहाँ स्थित है? उस एकत्व में स्थित है। तो जब तक हम उसके साथ एक नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में कांटे रहेंगे। तो मिर्दाद का कहना है कि एक जो आई एम जो वर्ड है जिसमें सारे लोग समाये हुए हैं, सारे स्वरूप समाये हुए हैं, वो इतना पावरफुल है कि वो सारे शब्दों का सारे स्वरूपों का जनक है। और हमें उस आई एम में स्थित होना है, हमें अपनी आय से जो अहंकार युक्त आय है निकल के और उस आई एम जो है उसको उसमें हमको स्थित होना है। तो इनका कहना है कि आप जो है ये कहते हैं कि जब आप आपका हृदय जो है वो एक गहरे कुएं के समान है और जब आप उसमें से बोलते हो कि आई एम मैंने ये किया मेरा ये मेरा वो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कांटे चुभ रहे हैं या दुनिया आपके आपके प्रति अच्छी नहीं है या कुछ अच्छा नहीं है तो इनका कहना है कि समझ लो कि आपका आई एम जो है वो कहाँ पे है, वो अहंकार पे स्थित है। क्योंकि अगर आप उस आई एम से बोलते हो जहाँ आप और ये सारी दुनिया एक है तो आप जब आई एम बोलोगे तो आपको प्रेम की अनुभूति होगी, आपको कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। तो मिर्दा का कहना है कि ये सब मनुष्यों ने क्या किया है, मनुष्यों ने क्या किया कि जो चीज डिवाइड नहीं हो सकती, एक चीज जिसको कि हम विभाजित नहीं कर सकते उसको विभाजित कर दिया उन्होंने, उन्होंने दूर कर दिया अपने आप से सबको। तो जब आपने दूर कर दिया है तो क्या होगा कि आपको क्या लगता है कि मैं अलग हूँ और ये सब कुछ अलग है। और फिर जब आप उस दृष्टि से देखते हो तो आपको संसार बड़ा ही कष्टमय दिखाई पड़ता। तो जब तक आपका आय उस आय में स्थित नहीं हो जाएगा जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं आई एम है, तब तक जीवन में कष्ट बने ही रहेंगे। मेरा कहना है कि मनुष्य ने क्या किया, बैरियर्स और फेंसेस लगाए हैं अपने चारों तरफ, सब तरफ फेंसेस हैं हमारे, हमने अपने आप को सबसे अलग करके कर लिया और खाइयां खोदी हुई। लेकिन जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, हमारी आत्मा है, वो क्या है, वो तो वो सबके साथ मिलना चाहती है, एक होना चाहती है, वो बार बार बाहर निकलती है इन फेंसेस को तोड़ के। हम उसको बार बार खींच के बाहर अंदर लाते हैं, नहीं नहीं बाहर बहुत खतरा है, लोग बहुत खराब है, किसी से मिलना नहीं है, हमें अपने आप को बचा के रखना है। तो मिर्दाद का कहना है कि क्या होता है कि बजाय खुशी के हमारे जीवन में दुख ही दुख आते चले जाते हैं, क्योंकि हम फेंसेस से घिरे हुए हैं, हमने अपने आप को अलग कर लिया है, सबसे अलग कर लिया है। तो इनका कहना है कि भले ही हमारे अंदर वो स्पिरिट है कि हमें मिलना है दूसरों से, लेकिन हम मिलने नहीं देते उसको क्योंकि हम अहंकार युक्त आय में स्थित है। फिर जब आप फिल्म देखने जाते हो और आप देखते हो कि फिल्म का हीरो या हीरोइन खुशी खुशी गाना गा रहा है, अमीरों के साथ गरीबों के साथ सड़क पे नाच रहा है, सबके साथ गले मिल रहा, तो आपको अंदर से कितनी खुशी महसूस होती, आप उसकी खुशी में आप बहुत ज्यादा हल्का महसूस करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? जितने लोग करते हैं वो थम्स अप करके बता दे मुझे। हम सभी करते हैं प्रैक्टिकल इसीलिए, क्योंकि ये हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है कि हम
सबको अपना समझकर हम खुश होते हैं, लेकिन क्या होता है, हमने सबको अपना समझने नहीं दिया, हमको ये सिखा दिया गया कि सब अलग है हम अलग। तो जब हमने ऐसा अपने आप को पकड़ के रखा हो, बंधनों में बांध के रखा है, तो हमने खुद ही अपने आप को बहुत कष्ट में रखा हुआ। हम अपने को खुला नहीं छोड़ पाते, लोगों के साथ खुले दिल से मिल नहीं पाते, उनकी तारीफ नहीं कर पाते, उनसे अपना प्रेम उनके प्रति प्रकट नहीं कर पाते। तो मेरा आपका कहना है कि हमने खुद अपने जीवन में इस तरह से दुख को, कष्टों को, परेशानियों को इनवाइट किया हुआ। अब आगे मिलता बोलता है होली ट्रियून, यानी जो ट्रियून यानी जिसको हम अपने यहाँ भी त्रिशक्ति बोलते हैं या त्रिगुण बोलते हैं उसको, और एंड द परफेक्ट बैलेंस। तो इनका कहना है कि होली ट्रियून क्या चीज है। होली ट्रियून है, एक प्राइमल कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है, जो कि पूरी सृष्टि में या पूरी धरती पर या जो भी चीज हम देख रहे हैं उनमें गूंज रहा है। और दूसरा क्या है, वर्ड। वर्ड यानी कि क्रिएटिव वर्ड, जिस जो कि हमारी क्रिएटिव शक्ति है वो। और तीसरा क्या है, दिव्य ज्ञान। ये तीन से मिलके वो कहता है कि इस ट्रियून से मिलके मनुष्य बनता है, इन त्रिगुणों से मिलके। ये तीन गुण है, एक चैतन्य है, एक है वर्ड जो क्रिएटिव पावर हमारी जो सिर्फ मनुष्यों के अंदर है, और तीसरा है दिव्य ज्ञान जो अंडरस्टैंडिंग है। उन तीनों से मिलके हम बनते हैं। अब ये ट्रिनिटी जो है ये हमारे अंदर है, और ये सेल्फ बैलेंसिंग है, सबके अंदर है ये। लेकिन प्रकृति देखो आप, बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, मनुष्य बैलेंस नहीं है। केवल और केवल मनुष्य जो है वो अपने उससे भटका हुआ है, बैलेंस से दूर है। क्यों क्यों इस क्यों दूर हो गया है, क्योंकि मनुष्य क्या बन गया है, गॉड इन स्वेडलिंग बॉन्ड्स। क्या है ये, इस माने गॉड इन स्वेडलिंग बैंड्स, कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको बहुत सारे कपड़ों में लपेट देती है, और वो बड़ा कोजी होके सोचता है कि हाँ मैं जो हूँ माँ के साथ ही हूँ। तो माँ तो जानती है कि बच्चा ये है और ये कपड़ों में मैंने लपेटा हुआ है, लेकिन बच्चा इस फर्क को नहीं जानता, वो कपड़ों को भी अपना हिस्सा ही समझता है। ऐसे ही मेरा आपका कहना है कि हम बहुत सारे कपड़ों में, बंधनों में लपटे हुए हैं, और वो बंधन क्या है, पहली चीज है जो टाइम है। टाइम हमारा एक बैंड है, स्वेडलिंग बैंड है, जिसमें उसने हमको लपेट के रखा है। दूसरा स्पेस है। तीसरा क्या है, उसके बाद हमारे पांच सेंसेस, हमारे पांचों सेंसेस जो है, आंख नाक मुंह कान, ये क्या है, इन्होंने हमको देखने से रोका हुआ है। सच्चाई हम नहीं देख पा रहे, हम इसमें फंसे हुए हैं, हम सोचते हैं जो इन आंखों से दिख रहा है, जो इन कानों से सुनाई दे रहा है, यही सत्य है। और जब हम ध्यान करते हैं तब हम इनके परे जाते हैं, हम समय के भी परे जाते हैं, हम स्थान के भी परे जाते हैं, स्पेस से भी दूर चले जाते हैं, हम इन पांचों सेंसेस के उनसे निकल जाते हैं। तो इनका कहना है कि इस तरह से हम इन चीजों से, जिनको भी देखते हैं उनसे हम निकल आते हैं। तो मिद्दत का कहना है कि हमारा जो फ्लैश है, जो हमारा मांस मज्जा है, ये भी एक बैंड वो है, स्वेडलिंग बैंड, ये भी एक पट्टा जिसमें हम लपटे हुए हैं, और हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं देख पा रहे कि हम हैं क्या, हम इसी स्वरूप को अपना रूप समझ रहे हैं। तो इनका कहना है कि मनुष्य जो है, इसके ये बंधन जो है, ये ऐसा नहीं कि एक बार बन गए, ये समय के साथ बदलते रहते हैं, हर एज के साथ नए बंधन आते चले जाते हैं, नए बैंड्स हमारे चारों ओर लपेटते ही चले जाते हैं। मतलब जितना हमारी उम्र होती जाती है, हम उतने ही ज्यादा बंधनों में, उतने ही ज्यादा बैंड्स में लिपटते चले जाते हैं, और हम निकल नहीं पाते इनसे। तो इनका इसीलिए इनका कहना है कि हम लोग, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इतनी कंफ्यूज है, इतनी फ्लक्स में है, क्योंकि क्लियरली हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम कंफ्यूजन में है। फिर मीरदान आगे कहता है कि जो ईश्वर का संसार है वो एक क्रूसिबल की तरह है। वो क्या है, जैसे एक क्रूसिबल होता है, जहाँ जैसे जिसमें हम सब चीजें मिला के घोट के एक करके गर्म करते हैं तो वो एक सार हो जाती है। तो ईश्वर के संसार में सबको मिला के एक किया जाता है, लेकिन जो मनुष्य का संसार क्या है, वो एक जो हम सूप होता है ना, फटकते हैं जिसमें चीज है, उसकी तरह जो पूरे समय ऐसे ऐसे फटक के, तुम अलग हो हम अलग हैं, तुम दुश्मन हो ये दोस्त हैं, ये आ जाए, ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं, इनको हटा दिया जाए। तो मिंदर का कहना है कि तुम्हारे दोस्त और दुश्मन कैसे हैं। इनका कहना है कि कल जो तुम्हारा दुश्मन था आज वो तुम्हारा दोस्त है, और आज जो तुम्हारा दोस्त है हो सकता है कल तुम्हारा दुश्मन हो जाए। तो ऐसी फिकल मानसिकता मनुष्य की है। तो इनका कहना है कि मेरा का कि जिसको तुमने रिजेक्ट किया कि ये अच्छा आदमी नहीं है, मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगा, किसी दूसरे ने तो उसको अपनाया। और जब हम खुद सारे के सारे ईश्वर का स्वरूप है,
तो हम कैसे कमियां निकाल सकते हैं कि तुम अच्छे हो और तुम बुरे हो, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि चूंकि मनुष्य पूरे समय जिंदगी भर यही करता रहता, बंटवारा, अच्छा बुरा में लोगों को बांटता रहता और उनको लाइफ से दूर करता, फिर पास लाता, फिर दूर करता, फिर पास लाता, उसको इससे बहुत ही कष्ट होता है। तो ये एक बहुत ही क्रूअल और फ्रूटलेस वॉर है, मैन अगेंस्ट मैन, ठीक है ना, उसकी दूसरे व्यक्तियों के प्रति और अपने खुद के प्रति। एक ये बड़ी फालतू की लड़ाई जो है वो चढ़ते रहते हैं। तो इनका कहना है मिर्दाद का कि आप अगर इस लड़ाई को बंद करना चाहते हैं और चैन से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो प्रार्थना होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमको होली अंडरस्टैंडिंग मिले, हमें ज्ञान मिले, हमें समझ मिले कि सच्चाई क्या है। और उसके बाद मेरा कहते हैं दूसरा काम जो आपको करना है कि आपको कभी भी ये क्रिबलर नहीं बनना है कि लोगों को बांटना नहीं है, अलग नहीं करना है, फेंसेस नहीं लगानी, खाइयां नहीं खोदनी है, अपने आप को उतनी स्वतंत्रता देनी है कि हम सबके साथ मिक्स हो सके, हम सबकी तारीफ कर सके, हम सबकी खुशी में खुश हो सके। मनुष्य क्या करता है, दूसरों की खुशी में दुखी होता है क्योंकि बचपन से यही ट्रेनिंग, हाय उसका तो ऐसा हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। तो ये नहीं करना है फ्रेंड्स, सबकी खुशी में खुश होना हमें सीखना है। वो कहता है कि जब जब तक तुम अपने ये सारे सुपर जिससे तुम फटक रहे हो इनको आंख में नहीं डाल दोगे, बंटवारा जिससे कर रहे हो, जब तक तुम इन फेंसेस को उखाड़ के नहीं फेंक दोगे, तब तक जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे। और एक बार अगर आप फेंस लगाते हैं, आपको लगाना आता तो आपको उनको उखाड़ना भी आता। तो ये सोचना कि अब हमने फेंस लगा दिया, हम इसमें से कैसे निकले, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जब आप जो है आप ही क्रिएटर हो, आपके अंदर वो क्रिएटिव पावर, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप इन सारी फेंसेस को निकाल के फेंक सकते हो। तो इनका कहना है, मिर्दाद का कहना है कि सब चीज जो है वो हमारी, हम बंटवारा करके नहीं जी सकते, हमारी सब चीज एक ही है, एकत्व में जीना ही हमको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब सूर्य अपनी रोशनी देता है तो वो क्या ये बोल के देता है कि ये रोशनी तुम्हारी और ये रोशनी तुम्हारी और ये रोशनी तुम्हारी और इसको ज्यादा और इसको कम, क्या वो ऐसा करता है? वो कहता है ये लो रोशनी, सबकी रोशनी है ये, और हम सब उसको एंजॉय करते हैं, उस रोशनी को, उस रोशनी का हम वो करते हैं, उसमें हम अपना जीवन जीते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। ऐसे ही मेरा कहता है कि जब आप सांस लेते हो तो क्या आप बोलते हो कि ये सांस मैंने छोड़ी अब तुम इसको मत लेना, या ये मेरी छोड़ी हुई सांस वो ही लेगा, या वहां तक ही जाएगी, या उसको ही मिलेगी? तो मेरा आपका कहना है कि आप जो है आपको ये बंटवारे, ये फेंसेस बंद करना पड़ेगा। मेरा कहते हैं कि आपके थॉट्स जो है वो आपके विचार जो आप सोचते हैं कि मेरे विचार है, ये आपके अकेले के नहीं है, एक बड़ा सा पूल है विचारों का जिसमें से सारे विचार ले रहे हैं, और जिस तरह की आपकी प्रकृति है आप उस तरह के विचारों को इनवाइट कर रहे हो। अगर आपके अंदर एकत्व की भावना है तो आप उस तरह के विचारों को इनवाइट करोगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे विचार, ये आपके विचार नहीं है। इसी तरह से आपके ड्रीम्स भी आपके नहीं है, जो आप स्वप्न देखते हो वो आपके अकेले के नहीं है। इनका कहना है द यूनिवर्स एंटायर इज ड्रीमिंग इन योर ड्रीम्स, सारा यूनिवर्स आपके ड्रीम में ड्रीम कर रहा है, वो आपके अकेले के ड्रीम्स नहीं है। तो कहते हैं कि जो जो घर है जो आप सोचते हो कि मेरा घर है, आपके अकेले का नहीं है, उसमें ढेर सारे क्रीचर्स रह रहे हैं जो जिनका भी वो घर है, कीड़े मकोड़े चींटियों से लेके सबका घर है वो, आपके जो गेस्ट आते हैं उनका घर है वो। तो कहते हैं बिवेयर देयर फॉर ऑफ फेंसेस, फेंसेस से बिल्कुल आप अपने आप को बचा लो। मेरा तेरा करना ये डिसेप्शन है, ये धोखा है जो अपने आप को आप दे रहे हो। तो इनका कहना है कि ये दुनिया जो है ये इसका स्वरूप जो हमने बनाया हुआ है इससे बिल्कुल फर्क है। ये जो जो शब्द है आई एम एटर्नल पावर, ये क्या है? ये एक समुद्र विशाल का है, ओशन के जैसा है। अब एक क्लाउड अगर उस ओशन में से निकलता है, मतलब भाप निकली और जाके वो छोटा सा क्लाउड बन गई है ना, क्लाउड जाके आसमान में स्थित हो गया। अब वो जाके आसमान में स्थित होके अगर वो क्लाउड कहे कि मैं तो यही रहना चाहता हूँ, यही शेप और यही स्वरूप मेरा रहे, मेरा फॉर्म भी यही रहे, और मैं तो ऐसे ही बना रहना चाहता हूँ, अपनी आइडेंटिटी को मैं ऐसे ही बना के रखना चाहता हूँ, तो इससे बड़ी मूर्खता भरी बात क्या होगी? क्योंकि वो क्लाउड अपने आप को जब तक नहीं पा पाएगा, जब तक वो अपने आप को खो नहीं देगा,
जब वो बारिश बन के बरसेगा और वापस समुद्र में मिलेगा, तभी वो अपने आप को पा पाए। तो इसलिए आपको क्लाउड नहीं बनना है कि जाके एक अंगे स्थित हो गए कहीं कि बस मैं यही हूं। आपको अपने आप को खो देना है, है ना? इतना फूलिशनेस कभी लाइफ में नहीं करना है। यू हैव टू लूज योर सेल्फ। जब क्लाउड मरेगा, ठीक है ना, वैनिश हो जाएगा क्लाउड के रूप में, तभी वो अपने आप को डिस्कवर कर पाएगा कहाँ, उस ओशन में जिसका वो हिस्सा था। बहुत प्यारी बात है ये। तो इनका मेरात का कहना है कि हमको अपने आप को समर्पण करने की कला सिखानी है और सीखनी है। हमें एकत्व की कला सीखनी है और सिखानी है। अब आगे क्या होता है कि वो कहता है, जो शमदान है वो कहता है कि अच्छा, नौकर के मुंह से तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं, क्योंकि वो इसको नौकर ही मानता है। तो मिर्दाद कहता है कि शमदान, तुम्हारा मैं अकेला नौकर नहीं हूँ। तुम क्या अपने नौकरों को गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो? मिर्दाद का कहना है कि ये जो स्टार्स है, ये जो पहाड़ है, पानी है, हवा है, लेक है, ठीक है ना, ये एंजल्स है, ये सब शमदान के नौकर है। पूरा पूरे पूरा जो ये संसार है जहां हम रह रहे हैं, क्या ये तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा? ये सब तुम्हारे नौकर है। और ना ही मिर्दाद जो है शमदान का अकेला मास्टर है। इसका कहना है कि शमदान, क्या तुम अपने मास्टर्स को, अपने मालिकों को काउंट कर सकते हो? ये सारा पानी, ये पहाड़, ये प्रकृति, ये वृक्ष, ये कीड़े मकोड़े, ये चिड़िया, ये सब तुम्हारे मालिक है, ठीक है ना? तो इनका कहना है कि कोई ऐसा पेबल नहीं है, एक पत्थर नहीं है, एक ड्यू ड्रॉप नहीं है जो तुम्हारा मालिक ना हो, सब तुम्हारा मालिक है। इनका कहना, इसका कहना है कि मिर्दाद कहता है कि जब हम दूसरों का अपना काम करते हैं, तब हम अपने साथ साथ कितना दूसरों का काम करते हैं हमें नहीं मालूम। तो हम सब एक दूसरे के नौकर भी हैं और मालिक भी हैं। ना कोई किसी का नौकर है, ना कोई किसी का मालिक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, तो हम ढेर दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। यहाँ तक कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सांस पेड़ लेते हैं हमारे। फ्रेंड्स, जब आप सोचिए कि जब आप बिजनेस करते हैं, आप एक संस्थान स्थापित करते हो और आप सोचते हो मैं इससे इतना कमा रहा हूँ, लेकिन आप उसमें कितने लोगों को नौकरी देते हो, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है उससे, कितने सारे लोगों का भला होता है उससे। तो ये बहुत लेना देना आपस में चलता रहता है जो हमें नहीं मालूम। हम जो भी मैं में घिरे हुए, इसलिए हम इस दृष्टिकोण से देख ही नहीं पाते कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें जरूर दो चार लोगों का भला छुपा हुआ होता है, भले ही हम सोच ना पाए उस चीज को। तो मिर्दाद कहते हैं कि अगर हेड कहे अब पेट से कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ तो कैसा हो, और या फिर पेट कहे सिर से कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ तो कैसा हो? ये स्थिति हम मनुष्यों की, हम मालिक और नौकर बनने का खेल खेलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई नौकर है। हम सब एक दूसरे की सर्विस करने आए हैं और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम एक दूसरे की सर्विस करते हुए ही अपना जीवन सार्थक रूप से बिता सकते हैं। तो कहते हैं कि क्रश आउट द डेडली मास्टर्स प्राइड, जो आपके अंदर ये गर्व की, अभिमान की अनुभूति है ना, मैं मालिक हूँ, मेरे पास इतनी जायदाद है, ये इतने नौकर हैं, इसको आप बिल्कुल क्रश कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। एंड रूट आउट द शेमफुल सर्वेंट्स शेम। अगर आपके अंदर ये शेम है कि अरे मैं तो नौकरी करना पड़ता है, मुझे ऐसी नौकरी है, ये है वो है, उसको तुरंत निकाल दीजिए उस शेम को, क्योंकि ना कोई नौकर है और ना ही कोई मालिक है इस सृष्टि में। तो मिर्दाद कहता है कि सारे बैरियर जो है वो तो तुम्हारे अंदर है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, हम सब एक ही है, ना कोई हमसे अलग है, ना ही कोई हमसे दूर है। अब क्या मिर्दाद का जो है आगे वो पूछता है मिर्दाद का शिष्य की, मास्टर क्या आप भगवान है, ईश्वर है? तो वो कहता है कि जब मैं ईश्वर के साथ होता हूँ तो मैं मनुष्य हूँ, और जब मैं मनुष्यों के साथ होता हूँ तो मैं ईश्वर हूँ। तो वो कहता है कि क्या बहुत सारे भगवान है मास्टर, गॉड्स जो है वो बहुत सारे हैं? तो कहता है नहीं, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनकी शैडोज, मनुष्यों की जो परछाइयां है वो बहुत है। तो वो समझ नहीं पाता, वो कहता है कि इसका क्या मतलब है परछाइयां बहुत है? तो मिर्दाद कहता है कि जैसे कि एक दूर किसी सोर्स से लाइट आती है तो हमारी परछाई पड़ती है, किसी की छोटी पड़ती, किसी की बड़ी पड़ती, किसी की कैसी पड़ती, तो हमने उन परछाइयों को अपना ईश्वर बना के रखा, क्योंकि
हमारे लाइट हमारी नहीं है, बाहर से आ रही है कहीं से। तो जिस दिन आपके अंदर की लाइट जागृत होगी, हजारों सूर्यों का प्रकाश जब जागृत हो जाएगा, कहीं कोई परछाई नहीं रहेगी, तब आप जान पाओगे कि ईश्वर कहाँ है। तब आप उन परछाइयों का पीछा छोड़ दोगे जिनको आप ईश्वर बना के पूज रहे हो और कह रहे हो कि हाँ तुम हो भगवान, तुम मेरे भगवान हो। वो क्या है? वो सिर्फ परछाइयां हैं, क्योंकि हम दूसरा सोर्स देख रहे हैं, दूर वाला सोर्स। लेकिन लाइट कहाँ है? हमारे अंदर है। तो अंदर के प्रकाश को जागृत होने दो और सारी परछाइयां चली जाएंगी और सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने अंदर के ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। सारे इनका कहना है, जो वेल्स है हमारे, जिनके अंदर जो है, जिनके हम फंसे हुए हैं, वो सब कैसे दूर होंगे? वो ऐसे ही दूर होंगे कि हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे, इन भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे। तो मीरदास का कहना है कि अपने आप को, तो कहता है इनका शिष्य, क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें फिर क्या, अगर हमें अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढना है? तो मीरदास कहता है, जब तक तुम उतना सबल ना बन जाओ, उतना तुम्हारे अंदर सेल्फ टॉट ना बन जाओ, सेल्फ कमांडेड ना बन जाओ, तब तक जो करना हो करो, लेकिन फाइनली तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सेवा करना पड़ेगा, तुम्हें प्रकाशमय बनना पड़ेगा, तुम्हें सबल बनना पड़ेगा। तो यही हमारी स्ट्राइव होना चाहिए लाइफ में, कि अपना जीवन शांति से, प्रेम से सेवा करते हुए अपने आप के शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध चैतन्य को जानने के लिए हमें अपना जीवन बिताना। और जिस दिन हम जान जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और यही हमारा टोटल जर्नी है। तो बस ये मैंने सुना दिया शुरू के चैप्टर्स। प्रज्ञा जी, सारे जी, चैप्टर्स हो गए, पांच जी बहुत अच्छी बज सुंदर, के थैंक यू दस कविता जी, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। देखिए कितनी अच्छी पे। बातें की है कि मतलब अपने तो भ्रम दूर करना है, और बचपन से जो हमें शिक्षा दी जाती है कि कंपटीशन एक द्वेष की भावना, कि देखो यानी कि उसके अच्छा है तो बंदा, फिर बच्चा हो चाहे भाई हो चाहे कोई और भी, उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष तो आ जाता है मन में कि वो मेरे से आ आगे, जाता है हूँ। ना। और वो आईएम वाली बात कितनी अच्छी लगी, कि मतलब वे, और एक बात अभी और आपने जो लास्ट में कही कि मतलब जब तक आप अपने आप में सबल नहीं हो जाते, तब तक आप प्रेयर अगर कर रहे हैं तो करते रहें, मतलब करते रहे। उस समय अगर आपको सहारा चाहिए तो लें। एक मैं इसके मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर किसी, हमें ऊपर पहुंचना है स्थान में, तो पहले की सीढ़ियां ही हैं ये सारी पूजा पाठ जो भी कर रहे हो ना, हाँ, है सही ना। बात। ऊपर धीरे धीरे होते होते आप धार्मिक से आध्यात्मिक बनने हाँ, लगते, तब फिर आप बिल्कुल छोड़ो, तब इसका कोई वो नहीं, लेकिन तब तक उस सहारे की जरूरत पड़ती है, पड़ती है जरूरत आप। है। बहुत ही अच्छी सी बातें कही है बस फ्रेंड्स, बहुत थैंक यू कविता जी, बहुत अच्छा लगा। वेलकम। यस फ्रेंड्स, आप थैंक कुछ यू दीदी, ना, थैंक यू, लव यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वेलकम। लगा। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है जो ना क्लियर हुआ हो तो वो कर सकते हैं। पूनम कपूर जी, यस नमस्ते डियर, कविता जी, मुझे तो नमस्ते सारे जी। प्रश्न बहुत क्लियर हो गए हैं, मैं इतना ध्यान से सुना है और आपने आज अरे मेरा मन मोह लिया है सच में। इतना वाह, क्या बढ़िया बात लगा, इतना है। अच्छा। मैं सोच रही हूँ कि अगर उसमें से हमने 10% भी कुछ सीख लिया ना, तो समझिए कि नैया पार होने वाली है। हाँ टेन बिल्कुल परसेंट भी, बिल्कुल, क्योंकि थैंक यू देखिए कविता जी। हम लोग का कुछ नेचर बचपन से जो आपने बोला ना, बताया है कि वो है नेचर, वैसा बन चुका है नेचर। उसको कम होने में बहुत वक्त लगेगा, वो धीरे धीरे ही जाएगा कोशिश करने से। लेकिन जो आपने एक प्रकाश बोला कि जो सूरज है, वो तो इतना अमेजिंग उदाहरण था कि जब सूरज अपनी रोशनी देता है तो किसी को कम या ज्यादा नहीं देता है, वो सबको बराबर देता है। वाकई कविता जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को आज, बहुत सच थैंक में दिल दिल बाग बाग हो रहा है मेरा तो आज। मतलब हो सकता है यू, कि मैं उसमें से कुछ 10 नहीं तो 5% कोशिश जरूर करूंगी करने की। थैंक यू सो वाह। मच, थैंक यू। एक बार आपने ठान लिया तो आप फिर देखना, आपका एक बार, हमारा मन जो है ना, हमारे संकल्पों में बड़ी शक्ति है, और हमारा हाँ मन जी, हमारे संकल्पों से ही बनता है। अभी तक गलत संकल्प लिए, अब सही लेना शुरू किया तो जरूर हम पा पाएंगे उस पर। ऐसे ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हो ना, 10 के आप 20% 50% भी कर पाओगे जल्दी। हाँ भी, अगर आपको 10 या 20% भी ठान लिया तो समझो 100% होने में टाइम नहीं हाँ, लगे। टाइम नहीं लगेगा। दीदी जब जागो तभी सवेरा। बस धन्यवाद, थैंक यू कविता। थैंक यू पूनम जी।
यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस या कुछ पूछना चाहते हैं कविता जी से? नमस्ते दीदी. यस विनोद जी. आपको आवाज सुनाई दे रही है दीदी मेरी कि नहीं? किसको? आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? मुझे दे रही है. नमस्ते जी. नमस्ते जी. नमस्ते जी. थैंक यू अरुणा जी. श्वेता जी धन्यवाद. So, कुछ कहना चाहती हैं आप? बहुत अच्छा रहा सेशन. थैंक यू. ऐसे मिर्दात तो शुरू से ही बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी और डीप होता जा रहा है. हाँ, जितनी बार सुनो उतनी बार कोई नई बात पकड़ में आ जाती है और उसको पकड़ के हाँ काम करने लगे तो भी जल्दी हमारा कल्याण होने लगेगा. सब कुछ जानने लगेंगे सच क्या है, उसको पकड़ने लग जाए एक बार. प्रदीप जी भी कह रही है, थैंक्स कर रही है आपका. थैंक यू प्रदीप जी. ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और समय का सोने का टाइम होता है, 11 बज रहे होंगे वहां पे जरूर. ऐसा क्या? अच्छा. यस फ्रेंड, कोई और करना चाहता है शेयर, कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो दीदी मैं बोलूं? जी जरूर बोलिए, मैं फूल पुकार ही रही हूँ. नीरू जी, दीदी आज ना अभी अपने करवाया तो एक और एक्सपीरियंस हुआ, आप बताती हूँ आपको. जैसे ही ना, हाँ जी, वो जैसे ही ऊपर से के ऊपर ना वो वीडियो ऑन करें, हमें आपके एक्सप्रेशन भी देखने हैं. बहुत अच्छे लगते हैं, फैंटास्टिक होते हैं. खुल गई, मतलब खुल गई. उसके ऊपर एक जाली थी तो उसके अंदर मुझे मतलब ऐसे टांग दिया. नीचे बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है. मुझे नीचे लेके जाते पर मुझे डर नहीं लगा. तो मतलब नीचे लेके जाते गए जाते गए, जैसे ही मैं काफी नीचे पहुंची ना, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था. ऊपर से ना चारों तरफ से मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या लिक्विड डाले हैं, मुझे नहीं मालूम. और फिर उसके बाद लिक्विड डालने के बाद और मैंने ना अपना सिर नीचे कर दिया ऐसे, और नीचे करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ना उन्होंने ऊपर लेके आ गए. ऊपर जब लेके आए तो यहाँ पे आके ना वो कलियां खिल गई, मतलब वो जो लोटस की होती है. तो उसके अंदर जब आपने कहा ना कि अब 2 मिनट रह गए, तो मेरे एकदम मतलब कि वो शिवलिंग थे वो ऊपर की तरफ इतने बड़े बड़े होते जा रहे, मैं देख ही नहीं पा रही थी कहाँ तक है. आप अपने सारे अनुभव लिखा करिए नीरू जी, इतने सुंदर है वास्तव में इनके. आप लिखते हैं कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं लिखती, लिखूंगी. शुरू कर दीजिए. एक और हुआ कि सुबह मैं कर रही थी तो यहाँ से ना एनर्जी मतलब ब्लैक बॉल्स टाइप निकल रहे थे और जाके ना एकदम व्हाइट और गोल्डन कलर के हो जा रहे थे. काफी देर निकलते रहे, काफी देर, एक फिर उसके बाद व्हाइट एंड गोल्डन ही हुए, सारे व्हाइट एंड गोल्डन हो गए. तो थोड़ा बहुत रह गया था ब्लैक आपको, यानी कि कुछ नेगेटिव कह सकते हैं विचार, कुछ ऐसी चीजें रह गई होंगी, वो भी पॉजिटिव में बदल गई आपकी. अब बदल गए, निकल गए, वो निकल के पॉजिटिव में बदल गए, गोल्डन सारे वही निकल रहे. हाँ जी, आपका और आपकी परीक्षा भी हुई है जो आपको अंधेरे में ले गए, आप फिर भी नहीं डरे. डरे नहीं, वहां पास हो गए तो वापस देखो आती कैसे, आपके रोज भी कमल आपका खेल रहा है ना. बहुत अद्भुत है, अमेजिंग. आप तो एक एक चीज सीखो, बहुत आंसर मिल रहा है वैसे, एक क्वेश्चन से सबको आंसर मिल रहे हैं वैसे. थैंक यू क्वेश्चन आंसर सुनना बहुत जरूरी होता है. जी जी जी. थैंक यू नीरू जी. आप प्लीज लिखिए इसको, क्योंकि बाद में नहीं आने वाले आपको, मैं फिर बता रही हूँ. याद नहीं आ रहेंगे और आप भूल जाओगे, इसलिए अभी लिखना बहुत जरूरी है. हाँ, और कई सारे हो चुके हैं, आप याद करके एक दिन बैठिए और लिखना शुरू करिए. मेरे ध्यान का अनुभव नंबर 1, 2, 3 करके ऐसे डालिए और डेट तो नहीं रहेगी, बट आज से आप डेट भी डाल सकते हो कि आज की डेट में था, मैंने डेट और टाइम के साथ लिखा है. ठीक है, क्योंकि बाद में नहीं आती है, कुछ महीने ही चलते हैं उसके बाद खत्म. हाँ, बस उसके बाद खत्म हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं आता. थैंक यू. इसके लिए एक स्टोरी है बहुत अच्छी, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अनुभव जो शुरू में आते हैं और बाद में नहीं आते. तो एक पापा जी करके हैं गुरु, जो मुझी के गुरु हैं और जो बहुत से लोगों के गुरु है वो. तो वो रमन महर्षि के शिष्य थे,
रमन महर्षि को उन्होंने अपना गुरु बना लिया, तो पहले उनको बहुत अनुभव आते थे जब उन्होंने ध्यान शुरू किया कि कभी कृष्ण भगवान आ रहे हैं, कभी राम भगवान आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, ऐसे बहुत अनुभव आते थे। और फिर उसके बाद वो उन्होंने रमन महर्षि को अपना गुरु बनाया और उसके बाद ये अनुभव आने बंद हो गए। तो फिर ये उनके आश्रम गए, तो आश्रम गए तो इन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्या किया है कि मेरे सारे अनुभव ही बंद हो गए, मुझे इतने अच्छे अच्छे दिखाई पड़ते थे। तो रमन महर्षि ने उनसे कहा कि तुम यहाँ तक आए हो तो कैसे आए हो? तो उन्होंने बोला पहले मैंने ट्रेन पकड़ी, फिर वहां ट्रेन छोड़ के फिर बैलगाड़ी में बैठा और बैलगाड़ी आके यहाँ गेट पर बैलगाड़ी छोड़ी और मैं आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा थी तुम्हारी, तो एक समय पे तुम्हें ट्रेन छोड़नी पड़ी, फिर तुमने बैलगाड़ी पकड़ी, फिर तुम्हें वो भी छोड़नी पड़ी। तो इस तरह से ये अनुभव जो है ना, ये हमारी ट्रेन और बैलगाड़ी है, इनके सहारे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें एक समय पे इनको छोड़ना पड़ता है, सारे अनुभव अपने आप छूटते चले जाते हैं, क्योंकि तो तब हमारी यात्रा दूसरी तरह की हो जाती है। वाह वाह तो वाह, कोई आंसर आ हमेशा ट्रेन में तो गया, आप वाह बैठे वाह नहीं आंसर रहोगे। मिल गया। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू मंजिल तक पहुंचने का थैंक छोड़ना यू। ही पड़ता पीछे की सवारी को। प्रज्ञा दीदी इंतजार किया तो आंसर आ गया, वाह वाह वाह, इसको कहते हैं कृष्ण। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट, वाह के आंसर आ गया आपका। मैं भी ना बहुत दिन से ये पूछना चाह रही थी कि मुझे आजकल कोई अनुभव नहीं आता। मैंने कमल जीत दीदी से पूछा कि दीदी पता नहीं क्या हुआ, अब तो मैं ध्यान में बैठती हूँ, जैसी बैठती हूँ वैसी उठ जाती हूँ। बोलती हाँ, मैंने कहा पहले कभी मुझे ऐसे अपने साथ शरीर दिखते थे, कभी कुछ कभी कुछ। आज उसका जवाब बिना मांगे बिना मांगे वाके, मिल बिन मांगे मोती मिले, मांगे गया। मिले ना भीख वाके भी। हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि पता नहीं मेरे ध्यान में कुछ नो गड़बड़ हो रही है, क्या है, क्यों नहीं आ रहा कोई नो नो, अंदर। नहीं, आप मंजिल के पर पहुंच गए, लगभग मंजिल के करीब पहुंच गए। बिल्कुल। और आज का सेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत, क्योंकि भले ही हम ध्यान में भी हैं फिर भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है ना थोड़ा बहुत, तो अलग अलग का, पर मैडम कोशिश करने पहले से भी मुझे भी याद बहुत आता थॉट है आते थे, अब नहीं आते। गायत्री जी अपनी शक्ल दिखाइए। हाँ जी मैडम, पहले मुझे, हाँ ऑन हो ही नहीं रहा, पहले मुझे भी बहुत सारे विचार आते थे, अब कुछ नहीं आते, बस शांत रहते हूँ आंख हाँ, तो बंद आप भी करके। आगे बढ़ गए हैं ना, आप मंजिल के करीब पहुंच गए आप भी। हाँ, पहले बहुत लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आते थे, बातें जब करती थी। यहाँ, हाँ यहाँ तक पहुंच गए हैं तो उसके बाद है ना, आप भी ध्यान भी लोगों को लाओ, आगे बढ़ाओ, अब अपना काम शुरू करो अच्छा प्रज्ञा लोगों दीदी, एक बात आज को। मैं, आज एक बात मैं भी कहने जा रही हूँ। जी मेरे को हर ग्रुप में समझ नहीं आ रहा, किसी के जैसे फोन आते हैं, पहले मैं पूछती हूँ कौन, अंजू जी बोल रही हूँ, मैं बोलूंगी अंजू जी बोल रही हूँ, अच्छा जी नमस्ते, आत्म वंदन आज हमको इस ग्रुप में से लेके, मैं तो जानती नहीं, मतलब कई आज मॉर्निंग के 5 तो आ चुके हैं, तो बस ये ऐसे करते करते ये क्या हो रहा मेरे को नहीं पता। अच्छा जी आपसे बात करके अच्छा लगा, हम आपको ऋषिकेश में, मैं तो ऋषिकेश गई ही नहीं, बट आपकी अरे आवाज, आपकी आवाज से ऐसे लग रहा है। अच्छा फिर मैं क्या, मेरे से आप जुड़ो, मेरे को वीडियो कॉल करो, तो ऐसे लगता है जैसे सच में ही ये मिले हुए हैं, कि ये क्या 5 दिन से हो रहा है। और आज रेखा पुदार जी से भी मेरी बात हुई है, इमेजिन करोगे आप, वो क्लास जूम पे कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ना कोई वो डाला, क्या होता है अपना, आज वो वहां कुछ उन्होंने करा हुआ इधर, वो शाकाहारी का डाला था, शाकाहारी की रैली निकल रही थी। तो ना बस हाँ वो डाला, तो वो मेरे को उस पे जैसे आप अंजू जी बोल रही हैं, आपको तो मिले हो, आपको मिले, अब ये क्या हो रहा पता नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट मैं इसको आगे ले प्रेम से चलती चली जा रही हूँ, भीगती जा रही हूँ कि सब मेरे जी अपने हैं। फिर मैं प्रज्ञा बिल्कुल। दीदी के उसमें हूँ, मैं सबको बताती हूँ, तो ये क्या अंजू, कितनी अंजू है, या सभी में अंजू आ रही है, क्या समझ से सभी में अंजू आ गई है। वास्तव में सब एक ही तो है। बस ओके अंजू जी इसी बात पे ओके, एक भजन हो जाए, हाँ थोड़ा सा दो लाइन सुना जनता दीजिए दो की बेहद मांग है, जनता की। लाइन। अरे 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 अरे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा मेरे गिनियो नाय परा लाडली श्री राधे मेरे गिनियो नाय परा लाडली श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे मेरे गिनियो नाय परा लाडली श्री राधे जो तू मेरे अवगुण गिनियो जो तू मेरे अवगुण गिनियो ना ही कोई उनका हिस्सा लाडली श्री राधे ना ही कोई उनका हिस्सा लाडली श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे माना कि मैं पतित बहुत हूँ माना कि मैं पतित बहुत हूँ पतित पावन तेरो ना लाडली श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे मेरे गिनियो ना परा लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना परा लाडली एक लाइन सबके लिए आशा रख पगली वो आएंगे पत्री जी सबके ध्यान में आएंगे आशा रख पगली वो आएंगे दीदी मैं कहीं खो गई अभी बहुत अच्छा प्रज्ञा दीदी मेरे तो आंसू बहुत निकलते हैं निकलने लगे अभी हाँ अच्छी बात है इमोशन बाहर आने दीजिए बहुत आंसू निकलने लगे आप कनेक्ट हो जाते हो तो फिर ऐसा ही होता है खुश नहीं होता लगता है मिल गया हमें ना कितने आंसू आने लगे पड़े हैं बहुत अच्छी बात है सफल है फिर तो सुनना भजन सफल है एक लाइन सुनाती हूँ दीदी जी बिल्कुल हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार हर दे झोली सबकी तेरे भरे भंडार भर दे झोली सबकी तेरे भरे भंडार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार
बस सब मिलकर आए ध्यान के दरबार में, बस ध्यान के दरबार में आ गए हैं, डिवाइन सोल्स के लिए सब मिलके आए हैं ना, किस सब के जोड़े में मन वारा। संजय जी मैं जाऊंगी, मेरे 5:30 बजे जाना है मुझे, मैं सबसे नमस्ते करके जाती हूँ। लव यू ऑल, लव यू ऑल।